से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन 7ों बार वो नर्सिंग होम में गया और ठीक भी हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच तक बैठा दी है। अब ये भ्रम है या फिर मन का डर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल विकास के घर वाले उसे राजस्थान के दौसा ले गए हैं, जहां पर बजरंग बली से उसके स्वस्थ होने की कामना की जा रही। रिपोर्ट आपको दिखाते, इसी से जुड़ी हुई। बॉलीवुड फिल्मों में कई कहानियां ऐसी हैं जो नाग नागिन पर बनी हैं, जिसमें नागिन के बदले को पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नाग या नागिन किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और बार बार डस लें? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये है कि वो जिस शख्स को बार बार डस रहे हो उसकी जान भी बच जाए। क्या सांप से उसकी दुश्मनी हो सकती है? फतेहपुर से ये चौंकाने वाला मामला इन दिनों पूरी तरह छाया हुआ है। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्प दंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में सांप ने उसे 7वीं बार डस लिया है। वो यहाँ तक का दावा करता है कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, विकास को एक जगह सांप ने नहीं काटा है, वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। अब इस दावे को लेकर कोई क्या कह सकता है? मेडिकल साइंस तो इस बात को नहीं मानता। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनको अंधविश्वास या इंसान के मन का डर बताया गया है। लोग भी विकास के दावों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे हैं। सात बार सांप काटा है, कहाँ कहाँ काटा था और कैसे कब कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो ऐसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था 3री बार में कि 9 बार काटे गए, 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाए। विकास का परिवार उसकी सलामती के लिए हर जतन कर रहा है। अब उसके परिवार वाले उसे राजस्थान के दौसा लेकर गए हैं। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़ित विकास अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में आया है। अब बजरंग बली ही आखिरी उम्मीद बन गए हैं। परिवार को उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, इसके लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना हो रही है। अगले शनिवार को तो बैठेगा। कह के गया है वो? अगले शनिवार तो उसका दिन ही है। घटना जैसे होती है तो आपको कैसे एहसास हो, कभी एहसास होता है कि भैया वैसे होने वाला है मेरे साथ? ऐसा क्या होता है भाई? आँख फड़कने लगती है और अंदर से पूरा डर जैसा सांप काट लेगा आज। अच्छा, 4-5 घंटे से पहले बता देते हैं। पहले आपको महसूस हो जाता है उस चीज़ के बारे में? तो कभी आता हुआ सांप नज़र आता है कभी आपको? कभी दो 4 बार तो देखे हैं और 3 बार नहीं देखे। विकास के दावे के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर डस लिया। उसके शरीर में कई निशान भी हैं। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था। एक लड़का बार बार सांप के काटने की शिकायत कर रहा था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को ऐसे ही जोड़कर देखा जा रहा है।
बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है उसमें, मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े, तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है इस तरह के लोगों पे, उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं या अंधविश्वास होता है या कोई वहम होता है जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीज़ों को इमेजिन करता है। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो और समझा जाए कि वो क्या सोच रहा है। विकास के घर वाले भी हैरान हैं। उन्होंने तो प्रशासन से जांच की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बना दी है। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।